रामपुर गांव में टूनी अपनी बहू टुनटुनी के साथ रहा करती थी। टूनी की बहू टुनटुनी काफी आलसी और घमंडी थी। वो टूनी से ठीक से बात नहीं करती थी। एक दिन अचानक से टूनी चिड़िया की मौत हो जाती है। चलो आज इतने सालों बाद जी भर के पिज्जा खाऊंगी, वरना उस बुढ़िया टूनी के जीते जी तो लड्डू भी नसीब नहीं हो पाती थी। पता नहीं कहाँ छुपा कर रखती थी। अच्छा हुआ चल बसी, मुझे दुनिया भर का सुकून मिल गया। जैसे ही टुनटुनी पिज्जा खाने जा रही होती है, तभी वो देखती है कि पिज्जा की प्लेट अचानक से उसके हाथ से उड़कर सीधे रसोई में फ्रिज की ओर पहुंच जाती है। ये देखकर टुनटुनी हैरान रह जाती है। जब वो रसोई में जाती है तो देखती है कि उसकी सास की लाश फ्रिज में पड़ी थी। क्यों बहू, जब मैं जिंदा थी तब तुमने मुझे बहुत दुख दिया, एक सास होकर भी तुमने मेरे साथ बहू की तरह सलूक किया। तुम्ही ने फ्रिज में करण छोड़ा था ना, तुम्हारी वजह से मेरी मौत हुई थी। अब देखना कैसे मैं अपनी मौत का बदला तुमसे लेती हूँ। टुनटुनी डरते हुए कहती है, मामा मम्मी जी ये आप क्या बोल रही हो, माना कि मैं बुरी हूँ लेकिन मैंने अपनी बहू का धर्म पूरा पूरा निभाया है। अरे हट, बहू का धर्म आई बड़ी झूठी, तो जैसी बहू तो कभी किसी को ना मिले। तभी भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। टुनटुनी अब डरते हुए घर में रहती है और सोचती है, भूत परे सिर्फ कहानियों में सुने थे, आज असलियत में देख भी लिया। अब से मुझे चौकन्ना रहना होगा, ये बूढ़ी कब टपक पड़े किसे खबर। फिर तभी टुनटुनी देखती है कि उसकी सास भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा दीवार पर उल्टी टंगी हुई है। ये देखकर वो बेहोश हो जाती है। अब दिन रात टुनटुनी पागलों की तरह बर्ताव करती, उसे हर जगह अपनी मरी हुई सास की आत्मा दिखती है। एक रात वो अपने कमरे में अपने पति के साथ बैठी थी, तभी बहू रानी क्या हाल है तुम्हारा, आओ आओ ना मेरे पास, मुझे तुमसे बहुत सारी बातें करनी है। ये सुनकर टुनटुनी जमीन पर डर के मारे कूदने लगती है। अरे बैल बुद्धि चिड़िया हो या हैवान, क्या भूत देख लिया जो पागलों की तरह उछल कूद कर रही हो। वो मम्मी जी देखो उधर दीवार पर। कालू ऊपर देखता है तब उसे कुछ नहीं दिखाई देता। लगता है तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है, दिन भर हॉरर मूवीज देखती हो और फिर रात में तांडव करती हो। ये कहकर कालू कौवा वहाँ से चला जाता है। ऐसे ही काफी दिन गुजर जाते हैं। एक दिन टुनटुनी मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ काम के सिलसिले में, अपना ख्याल रखना। कालू बिजनेस ट्रिप पर चला जाता है और फिर रात में टुनटुनी अपना सारा काम निपटा कर सोने जा रही होती है कि तभी अचानक से लाइट बंद हो जाती है और भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा की हंसने की आवाजें आती हैं। मम्मी जी प्लीज बख्श दो, मैं कह रही हूँ बाय गॉड मेरी जान निकल रही है, अगर आप ऐसे ही मुझे परेशान करती रहोगी तो। तभी वो सामने आ जाती है। ठीक है तो तुझे अपनी गलतियों का प्रायश्चित करना होगा, फिर मैं तेरा पीछा छोड़ दूंगी, वरना नहीं तो तुझे भी अपनी साथ ऊपर ले जाऊंगी। नहीं नहीं ऐसा मत कीजिए, मैं आपके हर हुक्म को मानूंगी। चल फिर हो जा शुरू, पूरे घर को शीश महल की तरह चमका दे, साफ सफाई करने के बाद मेरे लिए अच्छे से खाना बना और हाँ उसके बाद मेरे पाँव की मालिश कर। इस तरह भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा टुनटुनी से घर के सारे काम करा कर उसे परेशान करती रहती है। अब टुनटुनी को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो अपनी सास से माफी मांगती है। ये कहानी रामपुर गांव में रहने वाली बंटी कबूतर की है। एक शाम बंटी कबूतर अपनी ट्यूशन खत्म करके घर जाने के लिए बस स्टॉप पर बैठा बस के इंतजार कर रहा था, तभी उसने देखा कि एक जख्मी गरीब चिड़िया वहीं बैठी रो रही थी। ये
देखकर बंटी को बहुत बुरा लगा और इंसानियत के नाते वो उस चिड़िया के पास गया। सुनिए, आप रो क्यों रही हैं? ये लीजिए पानी, इसे पी लीजिए। तभी उस चिड़िया ने अचानक ही रोना बंद कर दिया और उसने बंटी कबूतर की तरफ बहुत ही डरावने तरीके से देखा और उससे पूछने लगी, सुनो कबूतर, क्या तुम्हें पता है मेरा पति कहाँ है? पता है तो मुझे अभी बता दो, वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी, बता मुझे कहाँ है मेरा पति, बोल। बंटी उसका ये सवाल सुनकर हैरान हो गया। उसे लगा कि वो चिड़िया शायद पागल है। वो चिड़िया अपनी जगह से उठी और उसकी तरफ बढ़ने लगी और जोर जोर से हंसने लगी। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, ये कहते हुए वो चारों तरफ घूमने लगी। ये देखकर बंटी कबूतर डर गया था और उसने अपनी पानी की बोतल वहीं छोड़ी और भागने लगा। भागते भागते वो सीधा अपने घर पहुंच गया और सोचने लगा, आखिर वो चिड़िया कौन थी और वो मुझसे इस तरह क्यों बात कर रही थी? मैंने उसका क्या बिगाड़ा है? मगर उसे कुछ समझ नहीं आया। उसी रात करीब 2 बजे बंटी की नींद अचानक ही किसी के रोने की आवाज़ से खुल गई। वो जैसे ही उठ के बैठा उसके होश उड़ गए। वही बस स्टॉप वाली चिड़िया उसके बिस्तर पर बैठी रो रही थी। और उसके हाथ में वही पानी की बोतल थी जो बंटी बस स्टॉप पर छोड़ आया था। मगर उस बोतल में पानी नहीं बल्कि खून था। कैसी हो बंटी कबूतर, जब तो तुम मुझसे बच गई, लेकिन अब तुम्हें कौन बचाएगा मुझसे? तुमने मेरे पति को मारा है, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। बंटी डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा, छोड़ दो मुझे, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तुम्हारे पति को कब मारा है? भूल गया वो रात, उस दिन तू अपने दोस्तों के साथ शराब के नशे में गाड़ी चला रहा था, तभी तुमने मेरे पति टुन्नु चड़ा को अपनी गाड़ी से कुचल दिया और वहाँ से फरार हो गए। अगर तुम उसे सही वक्त पर हॉस्पिटल ले गई होते तो आज वो जिंदा होता। उसके जाने के बाद मैं भी मर गई। जब से मैं अपने पति की मौत का बदला लेने के लिए बस स्टॉप पर भटक रही थी और तुम्हारा इंतजार कर रही थी, आखिरकार आज तुम मुझे मिल गए। ये सब सुनकर बंटी कबूतर को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वो उससे कहता है, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मेरी वजह से तुम्हारे पति की मौत हो गई, लेकिन तुम जानती हो उस दिन के बाद से मैंने शराब पीनी छोड़ दी। जो होना था वो हो गया। अगर तुम चाहो तो मुझे मार दो और अपने पति की मौत का बदला ले लो। ये सब सुनकर भूतिया टूनी चिड़िया की आत्मा बंटी कबूतर को माफ कर देती है और वहाँ से हमेशा के लिए चली जाती है। एक जंगल में ऑटो चलाने वाला बंटी कबूतर रहता था। एक बार की बात है, बंटी कबूतर रात में सवारी छोड़ने के लिए काफी दूर आ जाता है। तभी उसे रास्ते में एक चिड़िया दिखाई देती है। अरे ये कितनी खूबसूरत चिड़िया है, अच्छा है वापसी में सवारी मिल गई। पूछता हूँ उस चिड़िया को कहाँ जाना है। रुको रुको ना। हाँ चिड़िया बहन, बोलो कहाँ जाओगी तुम? जहाँ आप जाएंगे वहाँ जाऊँगी मैं। चिड़िया बहन, मैं तो अपने घर जाऊँगा। चलिए आप बैठ जाइए, मैं आपको रास्ते में छोड़ दूँगा। जरा जगह तो दीजिए, जब ही तो बैठूँगी मैं। अरे चिड़िया बहन, आप पीछे बैठिए जहाँ सवारी बैठती है। उसकी ये बातें सुनकर बंटी कबूतर को बहुत अजीब लगता है। तभी उसकी नज़र उसके पैरों पर पड़ती है। उसके पैर उल्टे होते हैं जिसे देखकर वो डर जाता है। अरे भागो, भूत भागो, अरे भागो भैया। कहाँ जाएगा तू बचकर बंटी कबूतर? आज तो तुझे छोड़ूंगी नहीं, कितने दिनों बाद मेरी प्यास बुझेगी? इस रास्ते पर कोई आता भी नहीं था, अब तू आया ही मेरा शिकार। तभी टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। वो जोर जोर से हंसने लगती है, कभी वो गायब हो जाती कभी सामने आ जाती। बंटी कबूतर डर के मारे तेजी से अपना ऑटो भगाता है। वो शीशे में देखता है आत्मा उसका पीछा नहीं कर रही है। वो जंगल के ऑटो स्टैंड पर अपना ऑटो रोकता है। वहीं उसका दोस्त कालू कौवा खड़ा होता है। क्या हुआ बंटी कबूतर, तू
इतना घबराया हुआ क्यों है? बंटी कबूतर कालू कौवे को सारी बात बताता है। अरे पागल, इतना सुनहरा मौका हाथ से निकाल दिया तूने। उस चिड़िया की आत्मा का एक पंख तोड़ लेता वो तेरी गुलाम बन जाती। अरे भाई माफ कर मुझे, मेरी जान बच गई आज वो ही काफी है मेरे लिए। ये कहकर बंटी कबूतर वहाँ से चला जाता है। कालू कौवा अपने मन में सोचता है, ये तो डरपोक पागल है, इतना सुनहरा मौका गवा दिया। ये पूरे जंगल पे राज करता, चलो कोई नहीं, कल रात मैं उस जगह जाऊंगा और उस भूतिया चिड़िया का पंख तोड़कर ले आऊंगा। अगले दिन कालू कौवा अपना ऑटो लेकर उसी जंगल के रास्ते पर जाता है। वहाँ पर एक चिड़िया खड़ी होती है। रोको रोको ना, ऑटो रोको, मुझे जाना है। अरे भाई लगता है ये वही चिड़िया की आत्मा है, इसका पंख तोड़ लूंगा। ये कहकर कालू को अपना ऑटो उसके सामने रोकता है और उसके पंख तोड़ने लगता है। अरे बेवकूफ कौवे बदमाश, तेरी हिम्मत कैसे हुई? तूने मेरे पंख तोड़ने की कोशिश की, रुक तुझे अभी बताती हूँ। टुनटुनी चिड़िया पास में पड़े डंडे से उसे बहुत मारती है। अरे बहन मुझे माफ कर दो, मुझे लगा तुम एक चिड़िया की आत्मा हो। अरे बदतमीज, तुझे मैं कहाँ से आत्मा नजर आ रही हूँ, चल भाग यहाँ से। टुनटुनी ये कहकर वहाँ से चली जाती है, पर टूनी चिड़िया की आत्मा पेड़ के पीछे खड़े होकर ये सब देख रही होती है। अगले दिन कालू कौवा फिर से अपना ऑटो लेकर वहाँ पर आता है। भाई आज तो पहले उसके पैर देखूंगा, तभी उसके पंख तोड़ूंगा, वरना कल की तरह पिटाई हो जाएगी मेरी। अब फिर से वहाँ पर एक चिड़िया खड़ी होती है। रोको रोको ना ऑटो, मुझे जाना है। कालू कौवा उसके पैर देखता है, उसके पैर उल्टे होते हैं। जैसे ही कालू कौवा उसके पंख तोड़ने वाला होता है, तभी टूनी चिड़िया की आत्मा अपने असली रूप में आ जाती है। डरावनी आवाज सुनाई देती है। कालू कौवे आप मेरे पंख तोड़ेगा, ये ले तोड़ के दिखा। टूनी चिड़िया की आत्मा कभी उसके सामने आ जाती, कभी उसके पीछे, वो उसे बहुत मारती है। मुझे माफ कर दो चिड़िया की आत्मा, मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे जाने दो, मत मारो। क्यों छोड़ दूँ तुझे, तो जैसे मन चले बदमाश पक्षियों को मारना ही तो मेरा लक्ष्य है, तुम जैसे लालची पक्षियों को जीने का कोई हक नहीं। तभी वहाँ पर बबलू कबूतर ऑटो में अपनी सवारी बिठाकर वहाँ से गुजर रहा होता है। अरे चिड़िया की आत्मा छोड़ दो उसे, मैं तुमसे विनती करता हूँ। नहीं मैं इसे नहीं छोड़ सकती, तुम जानते हो एक बार ऐसे ही मैं इस जंगल से ऑटो में जा रही थी, उस ऑटो वाले ने मेरा सामान लूट कर मुझे जान से मार दिया। जब से जो भी मुझे लालची पक्षी दिखाई देता है मैं उसे जान से मार देती हूँ। तभी सुंदरी कौवी बोलती है, अरे टूनी चिड़िया तुम सही कह रही हो, तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुम भी सही नहीं कर रही हो, ना जाने कितने पक्षियों को तुम मार रही हो। वो सब उसे बहुत समझाते हैं, वो कालू कौवे को छोड़ देती है। मुझे माफ कर दो, तुम सब सही कह रही हो, मैंने अपने इंतकाम पूरा करने के लिए ना जाने कितने पक्षियों के परिवार को तोड़ा है, पर अब नहीं, इस दुनिया में तुम जैसे नेक दिल पक्षी भी होते हैं। कर वो वहाँ से चली जाती है।